राम राम जी आप सबको। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये वाला डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। आप इसको लेडीज कार्डिगन में डाल सकते हो, जेंट्स स्वेटर में भी, जैकेट में भी, बच्चे के कार्डिगन में भी डाल सकते हो। छह फंदे का ये डिजाइन है। छह फंदे ये हो गए, ये बीच में चार फंदे बना रखे उल्टे, फिर छह ये चार उल्टे, यहाँ कोने पे दो दो बना रखे हैं दोनों साइड, दो उल्टे ही साइड, दो उल्टे ही साइड। ये चार सिलाई उतार रखी पहले, चार सिलाई उतार के फिर डिजाइन बना रखा चार सिलाई का, यहाँ भी बीच में फिर चार सिलाई उतार के फिर यहाँ डिजाइन बना दिया। तो अब ये चार सिलाई उतार दी हमने सीधी, अब डिजाइन बनाएंगे। यहाँ नीचे चार उतार रखी हैं, जो वही चार यहाँ उतार रखी है, वही सिलाई आ गई अब यहाँ जो ये डिजाइन बना था। साइड में एक फंदा वैसे छोड़ दिया हमने खाली, अब दो फंदे उल्टे बना लेंगे। चार सिलाई ये होगी, ये पांचवी सिलाई है। अब ये चार तो सीधी हैं, दो उल्टी दो सीधी। अब ये तीन फंदे हो गए कोने पे, उल्टे बना लिए तीनों। फिर उधर धागा करके छह फंदे दो बार धागा लपेट के बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच और एक छह, तीन उल्टे, एक दो तीन चार पांच छह, छह फंदे दो बार धागा लपेट के बना लिए। फिर आगे चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर उधर धागा करके छह फंदे फिर दो बार धागा लपेट के, एक दो तीन चार पांच और एक छह, तीन फंदे उल्टे, छह फंदे दो बार धागा लपेट के बना लिए। ये एक डिजाइन है इतना। फिर आगे फिर तीन फंदे चार फंदे उल्टे, ये कोने पे तो आधा बना रखा दोनों साइड, चार चार छोड़ रखे हैं बीच में, यहाँ चार ये हो गए चार ये हो गए। आप इस जगह पांच भी बना सकते हो, छह भी बना सकते हो, कितने रख लो उल्टे फंदे यहाँ बीच में, एक दो तीन चार। फिर उधर धागा करके छह फंदे दो बार धागा लपेट के, एक दो तीन चार पांच और एक छह, फिर तीन फंदे हैं कोने पे उल्टे, ये पांचवी सिलाई होगी। अब छठी सिलाई उल्टी सिलाई, तीन फंदे थे जो उनको अब भी उल्टा बना देंगे, उल्टी सिलाई में भी जो छह फंदे थे दो बार धागा लपेट के बनाए थे इनको खोल लेंगे ऐसे, एक दो तीन चार पांच और एक छह, इनको बनाएंगे नियम यूं ही रख देंगे, अब ऐसे बना लेंगे यूं। अब ये धागा ज्यादा खींचना नहीं, ज्यादा ढीला नहीं करना, दो तीन चार, फिर छह फंदों को ऐसे खोल लेंगे। फिर आगे चार फंदे उल्टे, दो तीन चार, फिर छह फंदे ऐसे खोल लेंगे। फिर दो तीन फंदे उल्टे, छह सिलाई होगी। अब सातवीं सिलाई, तीन फंदे उल्टे, फिर उधर धागा करके जो ये छह फंदे हैं हमारे, पीछे वाले तीन फंदे आगे ले आएंगे और आगे वाले पीछे, तो इनको ऐसे पलटेंगे यूं, तीन फंदे ऐसे डाल के सिलाई में, पीछे की साइड से आगे वाले फंदे यूं कर लिए, ये फंदे आगे डाल लिए। अब इनको एक दो तीन चार पांच और एक छह, फिर अपनी तरफ धागा करके चार फंदे उल्टे। अब फिर आगे फिर यूं ही पीछे के तीन फंदे आगे ले आएंगे, यूं पीछे के
आगे वाले पीछे की साइड से पीछे लेकर जाएंगे यूं, एक दो तीन चार पांच और एक छह, फिर तीन चार फंदे उल्टे, एक दो तीन चार, फिर उधर धागा करके फिर तीन फंदे आगे ले आएंगे और आगे वाले पीछे। फिर तीन फंदे उल्टे, सात सिलाई होगी। अब आठवीं सिलाई सारे फंदे उल्टे बना लेंगे। देखो ये डिजाइन ऐसे बनेगा। अब जो ये चार सिलाई उतार रखी हैं, अब आगे चार सिलाई ये ऐसे उतार लेंगे, सीधी उतारेंगे सारे। एक जो ये उल्टे फंदे बनाए थे इनको भी हम सीधा बना लेंगे। एक ये सीधी होगी जैसे, एक फिर उल्टी, एक फिर आगे फिर सीधी, एक उल्टी, चार सिलाई दो उल्टी होगी दो सीधी, ऐसे सीधी उल्टी उतार लेंगे चार सिलाई। एक ये सीधी होगी, एक फिर उल्टी, फिर एक सीधी एक उल्टी, ऐसे बनाएंगे। हाँ जी, मेरा डिजाइन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।